नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नेपाल में होने वाले जनरल इलेक्शन के मद्देनजर सिद्धार्थनगर जिले से लगने वाली 68 किलोमीटर की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जिले में आवाजाही के लिए बनाए गए SSB कस्टम पुलिस चौकियों पर स्थानीय पुलिस और SSB के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। सीमा के उस पार नेपाली प्रहरी और सीमा के इस पार भारतीय क्षेत्र में SSB के जवान हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बताते चले कि दोनों देशों में होने वाले चुनाव में दोनों तरफ की सीमाएं 72 घंटे पहले ही सील कर दी जाती हैं। 72 घंटे के लिए सील हुई सीमा पर आवाजाही कल मतदान संपन्न हो जाने के बाद 12 बजे रात के बाद फिर से खुल जाएंगी। बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी और इसके सील होने के बारे में ASP सिद्धार्थ ने बताया कि सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। परिस्थितियों में परमिशन के आधार पर किसी को आने जाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेपाल में मतदान संपन्न होने तक ये सीमा सील रहेगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता केशवाचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। दिनांक 20 नवंबर को नेपाल राष्ट्र में जनरल इलेक्शन प्रस्तावित हैं। उक्त के दृष्टिगत जनपद सिद्धार्थनगर के 5 थाने लोटन, मोहाना, कपिलवस्तु, शोहरतगढ़ व ठेबरुआ, जिनकी सीमाएं नेपाल राष्ट्र से लगती हैं, वहां पुलिस व SSB की ज्वाइंट टीम द्वारा चेकिंग व पेट्रोलिंग की जा रही है। बिना समुचित कारण के व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बॉर्डर पर शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।